सरकार मुर्दाबाद 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 फेडरल प्रशासन मुर्दाबाद फेडरल प्रशासन मुर्दाबाद 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 अच्छे कर्मचारियों को वापिस लो वापिस लो। इनकलाब जिंदाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निकाले बड़ी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। जिस तरह से लॉकडाउन में जो कंपनी में लोग लगे हुए थे, जो नौकरियों पे लगे हुए थे, प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए थे, उनको सरकार द्वारा आदेश भी दिए गए हैं, रिक्वेस्ट भी की गई है कि आप अपने कर्मचारियों को जो है ना हटाएं, उनको उनकी मदद करें। लेकिन जहां एक तरफ सरकार लोगों को शिक्षा दे रही है कि आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखें, उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, वहीं पर सरकार अपनी शिक्षा की जो दे रही है उसके अगेंस्ट जो है अपने आदेश जारी कर रही है। वहीं पर्यटन विभाग की अगर बात करें तो जो आउटसोर्सिंग पर इस विभाग में कार्यरत थे, उन आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों को जो है हटा दिया गया है। लेकिन पूरा मामला क्या है, इस बारे में हम उनके जो आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी लगे हुए थे उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मित्रपाल राणा। क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा मामला ये थी, हमारे आउटसोर्सिंग के हरियाणा टूरिज्म के अंदर 400 के करीब जो कर्मचारी लगे हुए थे, उनको बगैर तुगलकी प्रमाण जारी किए एकदम से उन्हें हटा दिया गया। एक तरफ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे थे प्राइवेट कंपनियों में कच्चे कर्मचारी को हम निकालेंगे, दूसरी तरफ टूरिज्म में बजट देने की बजाय जो 10 साल से हमारे कच्चे कर्मचारी पर्यटन विभाग में लगे हुए थे उनको एक ही ऑर्डर से निकाला गया, बड़े दुख की बात है। दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं लगातार जो हेडक्वार्टर के अंदर लोग लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, उनको वो आज तक उनको नहीं निकाला गया। अनाप शनाप तनख्वाह दे करके पर्यटन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। तीसरी विभाग से जितने हमारे टूरिज्म के अंदर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इतने दूसरे विभागों चाहे चंडीगढ़ के अंदर हैं, चाहे रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर है, हमारे कुल मिलाकर के 450 कर्मचारी को निकाला गया, ये बड़े दुख के विषय है। कितने समय से आप जो है इस आउटसोर्सिंग के विभाग के तहत जो है लगे हुए हैं? कम से कम कोई कई जगह 5 साल से लग रहे हैं, कई जगह 4 साल से लग रहे हैं, 15-20 साल से हमारे महकमे के अंदर कोई भर्ती नहीं है। लगातार कर्मचारियों को उनकी 2-2 महीने से सैलरी नहीं मिली, हेडक्वार्टर में हमेशा सैलरी ली जा रही है जो अधिकारी बैठे हैं, मतलब सरकार के आदेशों की जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनके आदेशों की शर्म धजिया उड़ाई जा रही है। ए और बी ग्रुप के अधिकारी पहले सैलरी ले रहे हैं, हेडक्वार्टर अंदर फील्ड के अंदर 2-2 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं दी जा रही, उनकी LTC बकाया, उनका 15% आयर भुगताया, आज तक टूरिज्म के कर्मचारियों को HRA नहीं मिला और कच्चे कर्मचारियों को 1.5-2 महीने से सैलरी नहीं मिली। एक तरफ तो सरकार जो है लोगों से अपील कर रही है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब पे काम कर रहे हैं, अपील भी कर रही है, उनको शिक्षा भी दे रही है कि आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखें, उनको ना हटाएं, उनकी सैलरी जो है वो समय पर दें, और दूसरी तरफ एक तुगलकली फरमान करके आपको हटाया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना? हमारी लगातार मांग है राज्य प्रधान होने के नाते तुरंत जो हमारे 400 के करीब कर्मचारी लगाए उनको तुरंत नौकरी पे वापस किया जाए और उनका जो भुगतान बनता है 1-1.5 महीने का 2-2 महीने का उनका भुगतान जारी किया जाए ताकि उनके घर के चूल्हे जलें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से सरकार के बहुत से कर्मचारी से लेकर मजदूर से लेकर के सरकार जो झूठे प्रमाण जारी कर रही है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि टूरिज्म के कर्मचारी जो भी निकाले गए तुरंत प्रभाव से उनको नौकरी पर लिया जाए, उनके लिए अलग से बजट मुहैया कराया जाए, ये हमारी मांग है। तो किसी इस बारे में किसी अधिकारी से मिले हो, किसी चेयरमैन से मिले हो, किसी अधिकारी से? अभी तक हमारे 2 दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारियों को और लगातार जो बड़े दुख की बात है कि हरियाणा टूरिज्म पर्यटन के अंदर जो हमारे पास पुलिस के अधिकारी, डॉक्टर्स और मरीज रुके हुए हैं जो, और उसके बदले में जो हमारे कर्मचारी जो कच्चे हैं खासकर वो उनकी सेवा कर रहे हैं दिन रात, उनके पास पूरा सुरक्षा के कवच नहीं, पूरे सामान नहीं है, अपनी जान चौकी में डालकर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको योद्धा मान करके सरकार हमारे को योद्धा नहीं मान रही, उल्टा हमारे नौकरी से हाथ धोने के पीछे पड़कर उनको नौकरी से बाहर किया जा रहा है। क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है लगातार इनको वापिस लिया जाए, इनको नौकरी पर रखा जाए और इनका वेतन दिया जाए। कैथल से कितने कर्मचारी हैं? कैथल से 7 कर्मचारी, 7ों के साथ हटा दिए हैं जी। बिल्कुल, इस बारे में हम और भी यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी काम करते थे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार जी। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है जी, पहली बात तो हरियाणा टूरिज्म में सरकार कई सालों से भर्ती ही नहीं कर रही और जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे सैंक्शन के आधार पर ये आउटसोर्सिंग के तहत जो कर्मचारी रखे गए थे
10 साल से 15 साल से 5 साल से लगातार ये कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे और एकदम से इनको अब इसके जो ये कोरोना वायरस का वो चल रहा है इसके तहत इनको एकदम से काम से हटा दिया गया, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं बगैर कोई किसी आदेश के और इनको एकदम कहा गया कि आप घर जाइए, आपकी सेवाएं ख़त्म हो चुकी हैं, सरकार को आपकी ज़रूरत नहीं है। जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि किसी का भी रोज़गार नहीं किया जाए, ख़त्म किया जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, ऐसे में बेचारे मजदूर कहाँ जाएँ, अब इनको कोई सहारा नहीं है, इनको ना अभी तक इनको तनख्वाह मिली है तो ये कैसे अपना काम चलाएंगे। तो जहाँ एक तरफ सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने कर्मचारियों को न हटाएं और दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग पर जो पर्यटन विभाग में कर्मचारी लगे उनको हटाया जा रहा है, तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों को दोबारा रखा जाए और इनकी सेवाएँ तुरंत बहाल की जाएँ और सारा कर्मचारी और हम सर्व कर्मचारी संघ के साथ में मिलकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक इनको वापस नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, ये थे जो आउटसोर्सिंग पर जो पर्यटन विभाग में जो काम कर रहे थे, जो आउटसोर्सिंग पर कोयल कॉम्प्लेक्स या पर्यटन विभाग में किसी भी जगह पर काम कर रहे थे। तो बताया जा रहा है कि हरियाणा में लगभग 400 लोगों को जो है हटा दिया गया, लेकिन जहां सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि जो कंपनियों में जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको हटाया ना जाए, उनकी जो सेवा है वो उनकी की जाए, लेकिन एक तरफ वही सरकार जो है तुगलकी फरमान जो जारी कर इन आउटसोर्सिंग पर लगे जो कर्मचारी हैं उनको हटाए जाने का जो है काम भी कर रही है। लेकिन इस समय आप देख भी पा रहे हैं कि सरकार के दो जो है चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं, जहां पर एक तरह तो शिक्षा दी जा रही है और दूसरी तरफ अपने ही आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों को जो है हटाया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि ये लड़ाई अब कहाँ तक जाकर रुकेगी। आप देखते रहे कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।